नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लेड एसिड, लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट बैटरी के बीच के डिफरेंस के बारे में। बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर होने वाला है। लेड एसिड बैटरी ओल्ड टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, वहीं लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट बैटरी दोनों ही न्यू टेक्नोलॉजी से बनी हुई हैं। ओल्ड टेक्नोलॉजी से बने होने के कारण लेड एसिड बैटरी में बहुत सी कमियां हैं, वहीं दूसरी तरफ लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट दोनों ही न्यू टेक्नोलॉजी से बनी हुई हैं, जिसके कारण इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। जाहिर सी बात है कि जो बैटरी नई टेक्नोलॉजी से बनी होगी उसमें कुछ खूबियाँ तो होंगी, वही खूबियों को हम आगे जानते हैं। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट बैटरी लाइफ के बारे में। बैटरी लाइफ मीन्स एक बैटरी को आप कितने बार फुल चार्ज करके फुल डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो बैटरी लाइफ कहलाता है। लेड एसिड बैटरी के बारे में बात करें तो इसको आप 300 से 400 बार फुल चार्ज करके फुल डिस्चार्ज कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी को 1000 बार से ज़्यादा चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, वहीं लिथियम फॉस्फेट बैटरी को 2000 बार से भी ज़्यादा चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। यदि आप लेड एसिड बैटरी को प्रतिदिन एक बार फुल चार्ज करके फुल डिस्चार्ज करते हैं तो आपको इससे एक साल की लाइफ मिल जाती है। आपने देखा होगा कि आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आपकी जो बैटरी लगी रहती है वो एक साल में ख़राब हो जाती है, वहीं इसकी जगह हम लिथियम आयन बैटरी अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर पे इस्तेमाल करते हैं और उसको प्रतिदिन एक बार फुल चार्ज करके फुल डिस्चार्ज करते हैं तो इससे हमें 1000 साइकिल मिल जाती है। 1000 को हम यदि 365 से भाग देते हैं तो ये बैटरी हमें लगभग 3 साल की सर्विस देगी। वहीं बात करें लिथियम फॉस्फेट बैटरी के बारे में, जिसमें हमें 2000 चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल मिलती है। 2000 को यदि हम 365 से भाग देते हैं तो हमें लगभग 5.5 साल की बैटरी लाइफ इससे मिल जाती है। मींस लेड एसिड से हमें 1 साल, लिथियम आयन से 3 साल और लिथियम फॉस्फेट से 5 साल प्लस की हमें बैटरी लाइफ मिल जाती है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मीन्स कि आप कम जगह पे कितनी ज़्यादा एनर्जी फिट कर सकते हैं, वो एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। लेड एसिड में एनर्जी डेंसिटी सबसे कम होती है 35 वाट आवर पर केजी, लिथियम आयन बैटरी पे 264 वाट आवर पर केजी और लिथियम फॉस्फेट पे 160 वाट आवर पर केजी। एनर्जी डेंसिटी कम होने ज़्यादा होने से फ़ायदा ये होता है कि बैटरी की साइज़ और वेट दोनों ही कम हो जाता है। लेड एसिड बैटरी जिसको आपने देखा होगा वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं, वहीं लिथियम आयन बैटरी जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हल्की होती हैं, वहीं पर लिथियम फॉस्फेट जो बैटरी होती है वो इन दोनों के बीच में आती है। एनर्जी डेंसिटी कम होने के कारण लेड एसिड बैटरी का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। लिथियम आयन बैटरी की एनर्जी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसके कारण इसका साइज सबसे कम है, वहीं लिथियम फॉस्फेट बैटरी का साइज़ लिथियम आयन बैटरी और लेड एसिड बैटरी के बीच में आता है। बात करते हैं हम चौथे पॉइंट के बारे में, वेट। लेड एसिड बैटरी का जो वेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया लिथियम आयन बैटरी का कम होता है और लिथियम फॉस्फेट बैटरी का लिथियम आयन और लेड एसिड बैटरी के बीच में होता है। अब मैं आपको अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के बैटरी के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे पास हीरो की ऑप्टिमम मॉडल की इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिस पे पहले लेड एसिड बैटरी लगी हुई थी, जिसका वेट लगभग 24 किलो था। उसको हटाकर मैंने उसकी जगह लिथियम फॉस्फेट बैटरी इस्तेमाल किया है, जिसका वेट लगभग 10 kg है। वहीं इसकी जगह अगर मैं लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल करता तो उसका वेट लगभग 7.5 kg आता। लिथियम फॉस्फेट बैटरी चूज़ करने का कारण ये था कि इसमें बैटरी लाइफ सबसे ज़्यादा मिलती है, जिसके कारण ये बैटरी मेरी स्कूटर पे लगभग 5.5 साल की सर्विस देगी। बैटरी का वेट कम हो जाने के कारण स्कूटर का माइलेज भी बढ़ गया है। अब हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट, बैटरी के सेल के नॉमिनल वोल्टेज के बारे में। लेड एसिड के एक सेल का नॉमिनल वोल्टेज 2.1 वोल्ट होता है, वहीं लिथियम आयन बैटरी के एक सेल का नॉमिनल वोल्टेज 3.7 वोल्ट होता है। लिथियम फॉस्फेट के एक सेल का नॉमिनल वोल्टेज 3.2 वोल्ट होता है। नॉमिनल वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जिस पे बैटरी का सेल ज़्यादा लंबे समय तक ऊर्जा देता रहता है। बात करें 6 पॉइंट के बारे में, जो कि 12 वोल्ट बैटरी के ऊपर है। यदि हमें लेड एसिड के सेल से बैटरी बनानी है तो हमें 6 सेल सीरीज़ पे कनेक्ट करने होंगे, जो कि हमें 12.6 वोल्ट देते हैं। आपने देखा होगा कि लेड एसिड बैटरी में 6 होल होते हैं पानी डालने के लिए, वो 6 होल 6 सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं लिथियम आयन बैटरी पे हमें 3 सेल सीरीज़ में कनेक्ट करके हमें 11.1 वोल्ट मिलता है और
चार सेल सीरीज कनेक्ट करने पे 14.6 वोल्ट मिलता है। यही इस बैटरी का एक डीमेरिट पॉइंट लगा मुझे। यदि हमें 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो हमें इस पहले 3 सेल से 11 वोल्ट मिलते हैं और 4 सेल से 14.6 वोल्ट मिलते हैं। 12 वोल्ट बैटरी से 12 वोल्ट ना मिल पाने के कारण इसकी हम फुल कैपेसिटी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं वो 12 वोल्ट बैटरी के हिसाब से बने होते हैं। वहीं बात करें हम लिथियम फॉस्फेट बैटरी के बारे में, इसके हम 4 सेल सीरीज में जोड़ के हमें 12.8 वोल्ट मिल जाते हैं, जो कि बहुत सिमिलर है लेड एसिड बैटरी से, जिस कारण से हम लेड एसिड बैटरी की जगह पे लिथियम फॉस्फेट बैटरी को बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इस बैटरी का हम फुल कैपेसिटी का यूज़ भी कर सकते हैं। लिथियम फॉस्फेट बैटरी में एक और खूबी होती है कि यह बैटरी कभी आग नहीं पकड़ती, वहीं लिथियम आयन बैटरी कभी कभी इस पर आग लग जाती है। बात करें सातवें पॉइंट जो कि एफिशिएंसी के ऊपर है। एफिशिएंसी को आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप एक बैटरी को चार्ज करने के लिए 100 रुपये की बिजली देते हैं तो उससे आप कितने रुपए की बिजली वापस ले सकते हैं, वो एफिशिएंसी कहलाता है। या आपने बैटरी को चार्ज करने के लिए 100 यूनिट खर्च किए और उसके बाद उससे आप कितने यूनिट बिजली वापस ले सकते हैं, वो बैटरी की एफिशिएंसी कहलाता है। लेड एसिड बैटरी में एफिशिएंसी बेहद ही कम होती है, 60 से 75% मात्र। वहीं लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट बैटरी पे एफिशिएंसी 97% होती है। मान लीजिए कि एक लेड एसिड बैटरी जिसपे 100 एम्पीयर लिखा हुआ है तो उसकी एफिशिएंसी कम होने के कारण वो बैटरी वास्तविकता में 60 से 70 एम्पीयर की ही होती है। वहीं लिथियम आयन बैटरी अगर 100 एम्पीयर की है तो उससे आपको 97 to 95 एम्पीयर बड़े आराम से मिल जाएगा। लिथियम फॉस्फेट पे भी आपको 97 to 95 एम्पीयर 100 AH की बैटरी से आराम से मिल जाएगा। बात करें इस आठवें पॉइंट की जो कि सेल्फ डिस्चार्ज के ऊपर है। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक बार बैटरी को चार्ज करके रख दिया तो वो कितने एक समय कुछ समय के बाद वो अपने आप डिस्चार्ज होने लगती है। लेड एसिड बैटरी में सेल्फ डिस्चार्ज सबसे अधिक होता है, लगभग 20% होता है। वहीं लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट बैटरी दोनों पे सेल्फ डिस्चार्ज 5% से भी कम होता है। सेल्फ डिस्चार्ज रेट ज़्यादा होने के कारण लेड एसिड बैटरी को आपने अगर एक बार चार्ज करके रखा हुआ है तो एक महीने के अंदर वो 20% कम हो जाएगी और दूसरे महीने के अंदर भी 20% कम होगी। वहीं लिथियम आयन बैटरी और लिथियम फॉस्फेट बैटरी दोनों का ही सेल्फ डिस्चार्ज रेट 5% से भी कम होता है। बात करें अगले पॉइंट के बारे में जो कि पर डे कॉस्ट के ऊपर है। पर डे कॉस्ट मतलब एक दिन बैटरी को इस्तेमाल करने का खर्चा कितना आता है, वो हम इस पॉइंट में जानेंगे। बात करें 48 वोल्ट 24 एम्पीयर की बैटरी के बारे में। यदि आप लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल करते हैं तो आपको 4 बैटरी इस्तेमाल करनी होंगी सीरीज पे, जिससे आपको 48 वोल्ट मिलेंगे। उन बैटरी की मार्केट में कीमत 12,500 रुपये होती है। 12,500 को यदि हम 400 साइकिल से डिवाइड करें तो हमें प्रतिदिन लेड एसिड बैटरी का खर्चा 31.25 रुपये आ जाता है। वहीं हम बात करें लिथियम आयन बैटरी के बारे में, जो कि 48 वोल्ट 24 AH की बैटरी मार्केट पे 19,000 रुपये पे मिलती है। 19,000 को यदि हम 1,100 से डिवाइड करते हैं तो हमें प्रतिदिन का खर्चा लगभग 17 रुपये 27 पैसे निकल कर आता है। बात करें लिथियम फॉस्फेट बैटरी के बारे में, जिसकी मार्केट में प्राइस 18,000 रुपये होती है, उसको यदि हम 2,000 साइकिल से डिवाइड करते हैं तो हमें प्रतिदिन कॉस्ट 9 रुपये मिलती है। लेड एसिड में प्रतिदिन कॉस्ट 31 रुपये, लिथियम आयन पे 17 रुपये और लिथियम फॉस्फेट पे 9 रुपये आती है। मतलब कि लिथियम फॉस्फेट बैटरी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बात करते हैं आखिरी पॉइंट कि कौन सी बैटरी सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। कई कस्टमर का बजट टाइट होने के कारण उन्हें लेड एसिड बैटरी लेना पड़ता है, वहीं कई कस्टमर्स लिथियम आयन बैटरी को प्रेफर करते हैं और कुछ लिथियम फॉस्फेट बैटरी को भी प्रेफर करते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप लिथियम फॉस्फेट बैटरी के साथ जाएं, क्योंकि इस पर आपको प्रतिदिन कॉस्ट भी कम पड़ती है और फ़ायदे लिथियम आयन बैटरी के मिल जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। हम भी लिथियम बैटरी के निर्माता हैं। हमारी कंपनी का नाम विप्रोटेक है। हम लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट पे बैटरी पैक बनाते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगुलर बैटरी पैक है इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए 48 वोल्ट 12 एम्पियर का। इस पे आपको चार्जिंग कनेक्टर्स भी मिल जाते हैं और ये फिट करके दिखाया हुआ है इलेक्ट्रिक साइकिल पे। ये हमारे पुराने वीडियो पे इस्तेमाल हुई बैटरी है, 36 वोल्ट 12.5 एम्पियर लिथियम बैटरी। ये 72 वोल्ट 42 एम्पियर ओकिनावा की बैटरी है, इससे हमें लगभग 120 किलोमीटर का रेंज प्राप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Thank you.